दोस्तों किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। अरे इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, टूटी हुई कश्ती का फिर भगवान सहारा होता है, भगवान सहारा होता है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां रोज की तरह मैं अतुल महिंद्रा आपसे मुखातिब हो गया हूं एक मोटिवेशनल कहानी के साथ जो आपकी जिंदगी बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज की इस कहानी को भेजा है अरुणिमा साक्षी जी ने। अरुणिमा साक्षी ने बहुत ही प्यारी कहानी भेजी है और आज उन्हीं की कहानी लेकर मैं आया हूं। और आइए देखते हैं कि उस कहानी में ऐसा क्या दिया है अरुणिमा ने, जहां पे हम सबको कुछ ना कुछ उस कहानी से सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए मुलाकात कराता हूं अरुणिमा साक्षी की उस कहानी से, जिसने हमारी टीम को भी ये कहने पे मजबूर कर दिया कि सर ये कहानी जबरदस्त है। तो आइए मुलाकात कराता हूं उस कहानी से। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि ईरान के शिराज नगर में सादी नाम का एक लड़का रहता था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान की ओर गड़ाए हुए था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अम्मी के पास गया और उसने कहा, अम्मी मेरे लिए जूते अभी तक नहीं आए, आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। यह सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता के मृत्यु के बाद वह किसी न किसी तरीके से अपने बेटे की जरूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद कपड़े के अलावा जूता खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी उसमें। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। तभी सादी बोला, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा कि हम गरीब क्यों हैं। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गईं। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी और हल्की सी आहट सुनाई दी। सादी घबरा गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान महल के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने महल की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर तीन व्यक्ति अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था कि ऐ खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दे। दूसरा आदमी कह रहा था, ऐ खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी, धन दिया, दौलत दिया, महल दिया, इज्जत दी, लेकिन मुझे टांगे नहीं दी। हे ईश्वर अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे दो टांगे दे दे। तीसरा आदमी बहुत ही दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ऐ खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे और मुझसे दुनिया का सब कुछ छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के समझ में आ गया कि इस दुनिया में हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उठो बेटा सुबह हो गई, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते अवश्य खरीद दूंगी। सादी ने कहा, नहीं अम्मी मुझे नहीं चाहिए नए जूते। अपने सपने की सारी कहानी सुनाकर वह अपनी माँ से बोला, अम्मी मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने सुनने और चलने फिरने की भी ताकत नहीं होती। मुझे तो खुदा ने दो आंखें, दो टांगे और दो कान भी दिए हैं। मैंने खुदा के बारे में बुरा भला सोचा। अम्मी मैं माफी मांगता हूँ आपसे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया, कई सुखों से नवाजा है। विस्तृत संसार में मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन साधन सीमित हैं। स्वाभाविक है कि सबकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में कुंठा पैदा होना लाजमी है, लेकिन संतोषी होकर इस परिस्थिति से बचा जा सकता है। इसलिए कहा गया है, संतोषम परम सुखम। दोस्तों इस दुनिया में मनुष्य एक ऐसी जाति है जो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आज थोड़ा मिला तो ज्यादा की चाहत होना लाजमी है। इसलिए हमेशा संतोष करना सीखें, सुख के पीछे जाएं, सुख
सुकून के पीछे जाएं, पारिवारिक सुख के पीछे जाएं, सामाजिक सुख के पीछे जाएं, धन सब कुछ नहीं दे सकता। सुख का मतलब मानसिक सुख से भी होता है, शारीरिक सुख से भी होता है, सामाजिक सुख से भी होता है, पारिवारिक सुख से भी होता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले संतोष पैदा करना सीखें, सबसे पहले जीवन में एक सफल और समृद्ध व्यक्ति जो संस्कारों से समृद्ध हो ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करें। तो आशा करता हूं कि अरुणिमा की इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सबसे यही कहूंगा, जो भी मेरी आवाज, जहां तक मेरी आवाज, जिनके भी कानों तक मेरी आवाज जा रही है, वो सभी अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर भेज सकते हैं और मैं आपकी कहानी लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। जिनकी भी कहानी चुनी जाएगी, जिनकी भी कहानी टीम सेलेक्ट करेगी, उनकी कहानी लेकर हम आएंगे पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे और आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो बस जाते जाते यही कहूंगा, सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से आप और आपका परिवार दूर रहे, सदा खुश रहें, सलामत रहें, यही ईश्वर से कामना है। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।